विंटर्स में आपके हेयर्स भी अगर इस तरीके से डैमेज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सर्दियों में हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी हो जाते हैं, तो ऐसे में आप किस तरीके से हेयर स्पा कर सकते हैं, इसका ही ये आज पूरा वीडियो है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। जो मुझसे पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं वो इस वीडियो को देख के आराम से अच्छे से हेयर स्पा कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग मेरे यू नो घर में हेयर स्पा करना चाहते हैं, एट होम हेयर स्पा करना चाहते हैं, वो लोग भी ये वीडियो को देखकर आप आराम से घर पर हेयर स्पा कर सकते होंगे। तो यहाँ पर हम हेयर स्पा के लिए यूज़ कर रहे हैं लोरियल का ही शैम्पू और लोरियल का ही मास्क। लोरियल का ये हेयर स्पा मास्क था। उसके अलावा हम सबसे पहले जब हेयर स्पा स्टार्ट करते हैं तो हेयर वॉश कराते हैं, और हमें अच्छे से शैम्पू से हेयर वॉश करा लेंगे पहले क्लाइंट के। ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अच्छे से यू नो शैम्पू करा लें। कभी भी हम गंदे बालों में हेयर स्पा नहीं करते, तो यहाँ पे हम शैम्पू से अच्छे से यू नो बालों को धुला लेंगे। क्रीम जो मैंने आपको लोरियल की एक्सटेंशो के जो क्रीम दिखाई थी वही हम मास्क लगा रहे हैं। और अगर आपके क्लाइंट के बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर हैं तो आप हल्का सा सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सीरम मैंने क्रीम में अप्लाई करा है वो है स्ट्रीक्स का, एंड उसके बाद आप हल्का सा बालों को यू नो ड्राई कर लेंगे ड्रायर से, और थोड़े से बाल गीले में ही अगर आप क्रीम को अप्लाई करते हैं तो अच्छे से एक तो क्रीम अप्लाई हो जाती है, दूसरा मॉइस्चर अगर बना रहता है बालों में तो और अच्छी शाइनिंग आती है। तो मैं आप लोगों को ये टिप देना चाहती हूँ यहाँ पर कि जब भी आप हेयर स्पा करें तो आप हल्के बाल गीले हों तभी आप क्रीम को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन करके धीरे धीरे आप क्रीम को अप्लाई करें, क्रीम को अच्छे से मर्जिफाई कर दें बहुत अच्छे से दो तीन बार, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं आपको समझ आएगा। क्योंकि ड्राई हो रहे हैं हेयर बहुत ज़्यादा, अगर जब आप केमिकल ट्रीटमेंट करा लेते हैं बालों में तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं बाल, तो हम पूरे बालों में अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर देंगे। अभी हम बालों में अच्छे से क्रीम अप्लाई करने के बाद याद रखें कि ना नीचे नीचे जो हमारे बाल होते हैं वो भी बहुत ड्राई होते हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से हेयर स्पा करें। उसके बाद आपका काम होता है स्टीम देना। आपके पास अगर यू नो गोल वाला स्टीमर है तो आप गोल वाला स्टीमर से स्टीम दे सकते हैं, बट मुझे ये पर्सनली ज़्यादा पसंद है ये वाला स्टीमर, क्योंकि जो गोल वाला स्टीमर होता है उसे बहुत ज़्यादा देर तक आप स्टीम नहीं दिला सकते, वो बहुत ज़्यादा लगने लगती है। इससे हम आराम से 5 मिनट तक या 4 मिनट तक स्टीम दिला सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट स्टीम देने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट करना होता है मसाज, हेड मसाज करते हैं। हेड मसाज की मैंने कई वीडियोस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं कि किस तरीके से हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ कि क्रीम को अप्लाई करने के बाद हम एक बार स्टीम जब दे देते हैं तो थोड़ा मॉइस्चर रहता है हमारे स्कैल्प में, तो आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको आराम से बालों को गोल गोल घुमाते हुए, बट हाँ इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि क्लाइंट को रिलैक्स मिलना चाहिए। आप पता लगा मसाज कर रहे हैं और उनके बालों को आप कहीं इधर से खींच रहे हैं उधर से खींच रहे हैं तो वो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये चीज़ आप ना करें। बस इतना सा ध्यान रखें कि आराम से धीरे धीरे करते हुए आप मसाज करें, ऐसे जैसे उनको क्लाइंट को भी यू नो अच्छा लगे। दूसरा, स्कैल्प में जब हम मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होने लगता है, तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जैसे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही होती है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो मसाज इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और ये देखिए, ये जो होता है ना, ये सेंटर जो पॉइंट्स होते हैं इनको अगर आप हल्का हल्का प्रेस करेंगे ना तो क्लाइंट को बहुत अच्छा लगेगा, क्लाइंट को बहुत पैम्परिंग लगेगा। और ये पॉइंट से मसाज करने से अगेन सर्कुलर यू नो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए हम इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन के लिए इन पॉइंट्स पर मसाज देते हैं। एक्चुअली अगर आप घर में हेयर स्पा कर रहे हैं तो आप अपने यू नो क्रीम वगैरह अप्लाई अपने किसी भी सिस्टर से, मम्मा से, किसी से भी घर में जो भी हैं, हस्बैंड हैं, फ्रेंड हैं, उनसे आप यू नो क्रीम अप्लाई करवा सकते हैं। और मसाज के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप कुछ अलग से टेक्निक्स सीखें, बस अगर आप इन वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स आप बहुत अच्छे से हेयर मसाज दे पाएंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। हेयर मसाज हेयर स्पा में सबसे बड़ा रोल निभाता है, जितनी अच्छी हमारी मसाज होती है उतनी अच्छी ही हमारा हेयर स्पा होता है।
और जनरली हम हेड मसाज के साथ साथ थोड़ा सा बैक मसाज भी देते हैं, हैंड्स पे भी इस तरीके से आप मसाज दे सकते हैं, यू नो बैक पर भी इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। मैंने कई बार अपने स्पा के वीडियो में, मसाज वीडियो में बताया है कि अगर आप क्लाइंट को हल्के फुल्के थोड़ी ज़्यादा मसाज देंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, रिलैक्स मिलेगा। तो इस तरीके से आप बैक मसाज भी दे सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इस तरीके से टैपिंग कर सकते हैं 2-3 बार। बट मसाज में भी आपको ये टेक्निक याद रखनी है कि उनको कहीं ऐसे लगने नहीं चाहिए, आराम से धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करेंगे। गाइस मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए पार्लर कोर्स की सीरीज़, और बहुत जल्दी मैं लेकर आ रही हूँ 30 डेज़ की ब्यूटी पार्लर क्लास की क्लासेस, जिसमें आप काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आफ्टर 45 मिनट हमने यहाँ पर यू नो 45 मिनट क्रीम रखी थी, देन उसके बाद शैम्पू करा लिया। सॉरी शैम्पू नहीं कराएंगे हम, केवल क्या करेंगे, प्लेन वाटर से बालों को रिंस ऑफ करा लेंगे, मतलब क्रीम आपको निकालनी है, शैम्पू यहाँ पर हम नहीं कराएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। लास्ट में हम शैम्पू नहीं कराते और कोल्ड ड्रायर लगाएंगे, यहाँ पे आपको हॉट ड्रायर भी नहीं लगाना है, कोल्ड ड्रायर लगेगा। और उसके बाद हल्का हल्का आप चाहें तो ठंडों में जाता है क्लाइंट के बाल ज़्यादा गिल नहीं ना, तो आप थोड़ा बहुत सुखा सकते हैं, और उसके बाद आपका यहाँ पर हेयर स्पा हो जाता है ख़त्म। और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था इनका, लेकिन आफ्टर शूट हम नहीं कर पाए, मतलब आफ्टर ड्राई के बाद, क्योंकि क्लाइंट को जल्दी था। तो आई होप आपको समझ आया होगा पूरा ये वीडियो। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। और फिर से रिमाइंडर दिला दूँ कि मंडे से आने वाली है ब्यूटी पार्लर कोर्स की क्लासेस 30 डेज़ की। तो स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।